हाय फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से आई हुई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, किस तरह आपको अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्या क्या बताई गई है और सिलेक्शन आपकी इसमें होगी कैसे, सारा मैं आपको ब्रीफ में बताऊँगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि इस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना किस तरह से है। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, इसी तरह से आप चाहते हैं प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, डीसी रेट, कोई भी रिक्रूटमेंट आती है चाहे आपके स्टेट की चाहे सेंटर की, उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगी। अब आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इम्पॉर्टेंट वीडियो। और बताना चाहती हूँ, इस रिक्रूटमेंट के अलावा 12 से 13 नई नोटिफिकेशन आए हैं, आज ही आए हैं, जिसमें आपके स्टेट की वैकेंसीज अलग आई है, सेंटर की अलग, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे जिनके एडमिट कार्ड एग्जाम डेट्स अनाउंसड हो चुकी है, तो मैंने अपनी ऑफिशियल साइट पर अभी अपडेट किया है। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हमारी ऑफिशियल साइट पर जाइए www.clory.com, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएगा और मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और आप स्क्रीन पर भी वेबसाइट हमारी देख पा रहे हैं। जल्दी से वहां पे जाके आप विजिट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक की रिक्रूटमेंट की, किस तरह अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी बताई गई है, जिसके लिए कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा, कोई भी फी आपको पे नहीं करनी है। डायरेक्ट हमारी ऑफिशियल साइट पे चलते हैं, वहां पे चल के मैं आपको बताती हूँ किस तरह अप्लाई करना है। ऑर्गेनाइजेशन नेम मैंने स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर कर दिया, आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से वैकेंसीज आई हैं और यहाँ पे ब्रांच क्रेडिट मैनेजर की, ब्रांच मैनेजर सेल्स में, सीनियर ऑफिसर, अकाउंट मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, एचआर मैनेजर और इसके अलावा 10th पास की वैकेंसीज आउट हुई है, ठीक है। अप्लाई मोड जो आपका रहेगा ऑनलाइन है। यहाँ पर वैकेंसीज गलती से 10,999 लिखी गई है। वैकेंसीज इसमें देखिए डेली चेंज होती है, कभी आपको 12,000 मिलेगी, कभी 13,000 मिलेगी, कभी उससे कम मिलेगी, डेली वैकेंसी इसमें चेंज होती है क्योंकि कई बार होता है कि हायरिंग हो जाती है उसमें से कुछ वैकेंसीज की, तो यहाँ पे डेली आपको चेंजेस मिलेंगे। अभी मैं आपको कोई वैकेंसीज बता रही हूँ, वहाँ पे आपको कुछ मिलेंगे, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट टाइप ये क्या है, बैंक जॉब है आपको पता है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी कोई भी आपको पे नहीं करनी है। जॉब लोकेशन जो आपकी इसमें अक्रॉस इंडिया रहती है, जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस इसमें रहती है आपके स्टेट की ही रहती है, मतलब आपको अपने स्टेट में ही जॉब लोकेशन मिलती है। जो हायर क्वालिफिकेशन के हिसाब से या जो एक्सपीरियंसड होते हैं ना, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स होते हैं जिनको 10-12 साल का एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी बड़े होते हैं हमसे, ठीक है, तो उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है अदर लोकेशन के लिए, जिसमें उनको अलाउंस रहता है, एकोमोडेशन, मतलब एकोमोडेशन प्रोवाइड तो बैंक नहीं करता, लेकिन हाँ उसका जो अलाउंस रहता है वो बैंक जो है वो पे करता है, ठीक है। 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला लिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस लिंक पर ज़रूर क्लिक किया कीजिए क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट वैकेंसीज की आपको जानकारी मिल जाती है, जिसमें स्टेट की अलग होती है, सेंटर की अलग होती है, डीसी रेट अलग होती है, प्राइवेट की अलग होती है, ठीक है, तो वहां पे जरूर चेक किया कीजिए। वैकेंसीज यहां पे देखिए काफी सारी आउट हुई है, ठीक है, जो कुछ मैंने वैकेंसीज आपको ऊपर बता दिए, कुछ इसमें अलग से वैकेंसीज है जिसमें पीएन की है, हेल्पर की है, वर्कर की, काफी सारी वैकेंसीज इसमें आउट होती है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका यहां पे इंटरव्यू होगी, सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। लास्ट तारीख अप्लाई करने की 31 दिसंबर 2020। अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ये आपको आईसीआईसीआई बैंक की ऑफिशियल साइट पे ले जाएगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से जॉब जो है वो सर्च करके अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से बताती हूँ, देखिए यहाँ पे जैसे इन्होंने लोकेशन भी आगे बता रखी है, आप लोकेशन वाइज भी सर्च कर सकते हैं, फंक्शनल वाइज भी आप सर्च करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने लास्ट में वैकेंसीज आपको देख पा रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसीज है अलग अलग लोकेशन वाइज हुई है। जिस तरह ये देखिए सेकंड जो वैकेंसी है प्रोबेशन ऑफिसर की है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, 0 साल का एक्सपीरियंस है जो वो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जिनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए अलग वैकेंसीज है और जो फ्रेशर है उनके लिए अलग, काफी सारे पेजेस है। यहाँ पे हर पेज में आपको देखिए क्लिक करके देखना पड़ेगा, जिसके लिए आप इंटरेस्टेड है उस पर क्लिक करके आपने बस साइन अप करके अप्लाई कर लेना है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।